हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। शख्स ने मारुति सुजुकी बलेनो को मर्सिडीज ए क्लास में बदल दिया और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ ने कार को देखते ही सीज कर दिया है। कार को एक झलक में शायद ही कोई पहचान पाए। आरटीओ का कहना है कि कार में यह मोडिफिकेशन गैर कानूनी है। विभाग के मुताबिक कार के मालिक ने मारुति बलेनो में रिप्लेस कर मर्सिडीज का ग्रिल, एलॉय व्हील, हेड व टेल लैंप और लोगो लगा दिया। इसके बाद कार मर्सिडीज ए क्लास जैसी दिखने लगी थी। इस बारे में शिकायत मिलने के बाद आरटीओ ने जांच शुरू की। दो हफ्तों की मेहनत के बाद यह एक सेकेंड हैंड कार डीलर के यहां खड़ी मिली। कार के वर्तमान मालिक ने इस कार को बिक्री के लिए रखा था। आखिरकार पुलिस की सहायता से आरटीओ ने कार को जब्त कर लिया और कार के मालिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस कार को मॉडिफाई करने में 3 लाख रुपए लगाए गए थे। आरटीओ ने एक स्थानीय टीवी चैनल को बताया कि इस मारुति बलेनो को खरीदने वाले शख्स ने इसे अपने दोस्त को बेच दिया था। उसी दोस्त ने इस कार को बदलकर मर्सिडीज जैसी बना दिया।